एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी है इजी एंड आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हैविंग अ ग्रेट डे सो फार। मैं हूं आपकी दोस्त संहिता सरकार और आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 सॉल्व करेंगे जो कि सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछी गई है और इस एग्जाम का जो डेट है वो है 12 जनवरी 2022। तो ऐसे ही कंटेंट की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और मैं मेनली जो साइंस टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं मतलब साइंस का मेन कंटेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि 61 से लेकर 80 तक होते हैं मैं इन्हीं कंटेंट का डिटेल्ड सॉल्यूशन देती हूँ। सो अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना हो तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पर कहा गया है एन ऑब्जेक्ट एक्स सिंक्स इन लिक्विड पी एंड क्यू बट फ्लोट्स इन लिक्विड आर। सो एक ऑब्जेक्ट है एक्स वो पी एंड क्यू लिक्विड में डूब जाता है पर जो लिक्विड आर है उसमें तैरता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी मेड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस। सो नीचे चार कंक्लूजन्स दी गई है उनमें से कौन सा सही है। सो कंक्लूजन ए कह रहा है डेंसिटी ऑफ एक्स इज मोर देन डेंसिटी ऑफ पी। बी कह रहा है डेंसिटी ऑफ एक्स इज लेस देन डेंसिटी ऑफ आर। सी कह रहा है डेंसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आर। डेंसिटी ऑफ पी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ आर। सो अगर हम अपने एक्सप्लेनेशन की ओर जाए सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या बताया गया है एक्स सिंक्स इन लिक्विड पी एंड क्यू। सो अगर एक्स जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड पी और क्यू में डूब जाता है इसका मतलब क्या है डेंसिटी ऑफ x is more than density of liquid p and q. x की जो density है वो liquid p and q की density से ज्यादा है। और एक जो हमको दिया गया है वो है x floats in the liquid r मतलब liquid r की जो density है वो density of x से ज्यादा है या उल्टा हम क्या कह सकते हैं जो x object है उसकी density liquid r से कम है। और यहाँ से जो हम conclude कर सकते हैं क्योंकि x, p और q लिक्विड में डूब गया था पर r में वो तैर रहा है इसका मतलब क्या है कि जो p एंड q लिक्विड है उसकी भी जो डेंसिटी है वो r लिक्विड की डेंसिटी से कम है इसीलिए x, p और q में डूबा पर r में वो तैर रहा था। सो उस हिसाब से हमारा जो सही आंसर बनता है तो हमको यहाँ पर जो कंक्लूजन सही है उनको टिक करना है। सो a सही है क्योंकि डेंसिटी ऑफ x इज मोर देन p इसीलिए वो डूबा। बी कह रहा है डेंसिटी ऑफ एक्स इज लेस देन डेंसिटी ऑफ आर ये भी सही है क्योंकि लिक्विड आर में वो तैर रहा था। डेंसिटी ऑफ लिक्विड पी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर ये गलत है क्योंकि अगर पी की डेंसिटी और आर की डेंसिटी सेम होती तो ये जो एक्स ऑब्जेक्ट है ना ये लिक्विड आर में भी सिंक कर जाता पर वो तो फ्लोट कर रहा था तो ये गलत है। डेंसिटी ऑफ पी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ आर ये भी सही है क्योंकि पी एक ऐसे लिक्विड है जिसमें x जो ऑब्जेक्ट है वो डूब गया था पर r में वो फ्लोट कर रहा था। सो ऑब्वियसली p की जो डेंसिटी है वो r से कम है। सो उस हिसाब से जो कंक्लूजन हमारे यहाँ पर सही बैठ रहे हैं वो है a, b और d। सो जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है विच फैट सोल्यूबल विटामिन इज नेसेसरी फॉर गुड स्किन। सो जैसे कि आप जानते हैं अगर हम अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ आए तो जो विटामिन ए डी ई और के होते हैं इनको हम फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं और जो विटामिन बी और सी होते हैं इनको हम वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। सो जैसे कि आप जानते हैं कि विटामिन ए जो है इट इज गुड फॉर स्किन हमारी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं प्लस इट कीप्स आवर आईज हेल्दी हमारी आंखों को भी हेल्दी रखती है। और विटामिन के इसका जो काम है वो है ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन करना ओके ब्लड क्लॉटिंग में ये मदद करता है। सो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर फैट सोल्यूबल विटामिन दो ही है एक तो है विटामिन ए और दूसरा है विटामिन के। जो बी और सी है ये वाटर सोल्यूबल है ठीक है। अब हमसे पूछा गया है दैट कीप्स आवर स्किन हेल्दी या विच इज गुड फॉर स्किन। सो उसके लिए जो सही आंसर बनता है वो है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 63 इज आफ्टर रेन इम्प्योरिटीज एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो यहाँ पर कहा गया है कि जब बारिश होती है तो बारिश के पानी में जो गंदगी होती है या जो कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. सो कौन सा प्रोसेस इज सेटल डाउन करने में, मतलब उसकी वजह से ये हो रहा है. सो जैसे कि आप जानते हैं, लोडिंग होता है जब हम एलम को किसी इम्प्योर सैंपल में घोलते हैं. तो सपोज मेरे पास एक सैंपल है और उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उनकी वेट थोड़ी कम है, तो तब मैं एलम को उस इम्प्योर सैंपल में घोलूंगी, जिसके वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल्स है सस्पेंडेड उसके ऊपर एक कोटिंग होगी एलम की, और जिस वजह से उसका वेट बढ़ जाएगा, तो ये सेटल डाउन करने में मदद करता है. सो लोडिंग तो ये है. कॉन्डेंसेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं तो वाटर वेपर दोबारा से वाटर बन जाता है, ठीक है. और डिस्टिलेशन से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है सो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं. तो जो एक्चुअली सेटल डाउन करने में जो प्रोसेस मदद करता है वो है सेडिमेंटेशन. जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम सैंड और वाटर का मिक्सचर ले तो सैंड इज इनसॉल्यूबल इन वाटर. सो क्या होगा, इस मिक्सचर को जब हम घोलेंगे तो हमको लगेगा कि अच्छा सैंड वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो सैंड वाटर होता है वो हमको थोड़ा सा ऑरेंजिश या ब्राउनिश दिखता है. पर अगर आप उसको एक या दो घंटे तक अनडिस्टर्ब रख देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो बीकर है वहां पर नीचे की ओर सारे जो सैंड पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन कर जाएंगे और ऊपर आपको एक क्लियर वाटर का लेयर मिलेगा. सो ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि सैंड पार्टिकल्स बहुत ही हैवी होते हैं, एज वेल एज इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, और इसी सेटल डाउन करने के प्रोसेस को ही हम सेडिमेंटेशन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. सो हमको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई है. स्टेटमेंट ए कह रहा है केमिकल चेंजेस आर यूजुअली इरिवर्सिबल. सो स्टेटमेंट ए ऐसा कह रहा है कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो ज्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं. मतलब अगर ए से एक न्यू प्रोडक्ट बी बन गया ना, सो बी से हम जो ओरिजिनल फॉर्म है उस पे नहीं जा सकते हैं. तो ए स्टेटमेंट तो सही है, ज्यादातर केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल ही होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं. इन अ फिजिकल चेंज देयर इज ऑलवेज चेंज इन स्टेट. सो फिजिकल चेंज में हमेशा जो भी चीजें है, जो चेंज हो रही है, उसमें चेंज ऑफ स्टेट होगा. ये गलत है, क्योंकि देख लीजिए कि एक ऐसी फिजिकल चेंज जिसमें चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है वो है आइस से वाटर का बनना. तो अगर आइस हम बाहर निकाल कर रख दे तो वो हीट लेकर क्या हो जाएगा, वो पानी में बदल जाएगा. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म. पर एक और, तो ये फिजिकल चेंज है क्योंकि यहाँ पर है क्या, एक्चुअली हमारे पास वाटर ही है, सारे मॉलिक्यूल्स H2O ही है, चाहे वो आइस हो, वाटर हो या वाटर वेपर हो. पर एक और फिजिकल चेंज है, जैसे टियरिंग ऑफ पेपर. सो अगर हम एक पेपर को फाड़ दे, सो इससे हमें क्या मिल रहा है, पेपर के छोटे छोटे पीसेस. सो पेपर भी क्या है, एक सॉलिड चीज है, पेपर की छोटी छोटी पीसेस भी सॉलिड चीज है. सो यहाँ पर चेंज इन स्टेट नहीं हो रहा है. सो उस हिसाब से हमारा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स. ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर. क्वेश्चन नंबर 65 में हमसे कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डू नॉट हेल्प हाइड्रोफाइट्स टू स्टे अफ्लोट इन वॉटर. सो हाइड्रोफाइट्स एक्चुअली होते हैं एक्वाटिक प्लांट्स, राइट, एक्वाटिक प्लांट्स. सो हमें ऐसी फीचर्स ढूंढकर निकालनी है जो कि इन हाइड्रोफाइट्स को पानी में तैरने में मदद ना करती हो, ठीक है. आपको ध्यान देना है, डू नॉट हेल्प कहा गया है. सो ए कह रहा है द स्टॉक्स एंड स्टेम्स हैव लार्ज टनल्स, मतलब ये हॉलो है अंदर से, तो ऑब्वियसली ये तो तैरने में मदद करेगा, पर हम ये ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें ऐसे फीचर ढूंढने हैं जो कि तैरने में मदद ना करती हो. बी कह रहा है लीव्स हैव वैक्सी कोटिंग. सो ये तो तैरने में मदद नहीं करता है क्योंकि वैक्सी कोटिंग लीव्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ वाटर. पानी के कॉन्टैक्ट में रहते हैं इनकी लीव्स, जो कि ऐसे पौधे जो कि पानी में ग्रो करते हैं, तो ताकि वो सड़े ना, इस वजह से ये वैक्सी कोटिंग होती है. सी कह रहा है लार्ज सर्कुलर डिस्क शेप्ड लीव्स. तो ये तो एक्चुअली तैरने में मदद करता है, तो इसे हमें क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि आपने देखा ही होगा जो कमल का फूल होता है उसकी पत्तियां थोड़ी सी सर्कुलर या डिस्क शेप्ड होती है, जिस वजह से वो आराम से पानी पे तैर सकता है. डी कह रहा है फिंगर लाइक एंड रिबन लाइक लीव्स एंड स्टेम. सो ये क्या करता है, ये मदद नहीं करता है
प्लांट को तैरने में। और ये जो फिंगर लाइक या रिबन लाइक लीव्स होती है ना, ये सबमर्ज प्लांट्स में पाई जाती है, सबमर्ज प्लांट्स में, जो कि पानी के एकदम नीचे ग्रो करते हैं, पानी के तल के नीचे ग्रो करते हैं। ओके, पर हमें यहाँ पर जो कहा गया है कि ऐसे फीचर्स जो कि पानी में तैरने में मदद ना करे, सो उस हिसाब से हमारा जो सही ऑप्शन बैठता है वो है बी एंड डी, क्योंकि यही दोनों ऑप्शन है जो कि तैरने में मदद नहीं करती है, बाकी जो दोनों ऑप्शन है वो तैरने में मदद करती है। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन व्हाइल स्टोरिंग बार मैग्नेट्स। सो बार मैग्नेट्स को जब आप स्टोर करके रखें, मतलब जब वो यूज में नहीं है, तो हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी होती है। सो इनमें चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बार मैग्नेट्स should be stored in pairs such that the like poles are on the same side. This is wrong. क्योंकि bar magnets को जब भी हम pair में store करते हैं तो उनकी unlike poles एक तरफ होनी चाहिए, ठीक है। Two कह रहा है a pair of bar magnets should be separated by a wooden piece. ये तो सही है, ठीक है। The ends of bar magnets should be connected by soft iron pieces. This is not the करेक्ट आंसर, ओके। दे शुड बी स्टोर्ड इन वुडन बॉक्स, ऐसी भी कोई प्रिकॉशंस होती नहीं है। सो उस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स शुड बी सेपरेटेड बाय अ वुडन पीस। अब क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में हमसे कहा गया है, ये एक फिलिप्स है, तो एक्स इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो हमें पता है, वो है लिवर। इट सीक्रेट्स वाई, सो लिवर क्या सीक्रेट करता है, दैट इज बाइल जूस। सो एक्स हुआ हमारा लिवर, वाई हुआ बाइल जूस, विच इज स्टोर्ड इन जेड। तो ये जो बाइल जूस लिवर सीक्रेट करता है, ये किस पार्ट में स्टोर्ड रहता है, वो है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। सो हमें एक्स वाई जेड ढूंढ कर निकालना है, सो मैंने यहीं पर सॉल्व कर दिया है। सो चलिए ढूंढते हैं कहां पर ये तीनों टर्म्स है, लिवर, बाइल जूस एंड गॉल ब्लैडर। सो उस हिसाब से हमारा जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ये है ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। ये एक मैच द फॉलोइंग है जो कि बहुत ही इजी है। हमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया गया है कॉलम 1 में, वो ऑर्गेनिज्म जो एग्जिबिट करते हैं इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कॉलम 2 में, जिनके नाम दिए गए हैं, इन्हें मैच करना है। सो जैसे कि आप जानते हैं ए ऑटोट्रॉपिक, मतलब कोई भी ग्रीन प्लांट्स या फिर एल्गी जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं यूजिंग द रॉ मटेरियल्स। सो एल्गी के साथ कौन चला जाएगा, ए, ठीक है। फिर आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, जो फूड है उसको होल फॉर्म में अंदर लेना। सो इसके 5 स्टेप्स होते हैं। पहला है इंजेशन, फिर है डाइजेशन, फिर है एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में भी होता है प्लस ह्यूमंस में भी होता है। सो अमीबा यहाँ पर जाएगा। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है जो कि होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है ताकि उसको सारी न्यूट्रिएंट्स मिले। तो ये हमने पढ़ा हुआ है अमरबेल पौधा, जो कि येलो कलर का होता है, उसका इंग्लिश नेम है कस्क्यूटा। सो उस हिसाब से जो हमारा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हो जाएगा कस्क्यूटा के सामने, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख डालते हैं सैप्रोफाइट्स, मतलब विच ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। सड़े हुए और मरे हुए चीजों से न्यूट्रिशन लेने वाले को हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर है मशरूम। सो चलिए मैच करते हैं अपने ऑप्शंस। ए जाएगा 3 के साथ, ए 3 के साथ दो जगह पर जा रहा है, ठीक है। फिर बी जाएगा 2 के साथ, ओके। सी जाएगा 4 के साथ, डी जाएगा किसके साथ, 1 के साथ। सो उस हिसाब से हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर सारे हमारी जो मैचिंग हमने की है वो मैच खा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में हमसे कहा गया है इन द केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी, व्हाट कैन यू से श्योरली अबाउट द नेचर ऑफ ए बी एंड सी। सो जैसे कि आप जानते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन हो वहां पर ए प्लस बी एक्चुअली क्या है, ये है रिएक्टेंट्स। सो कोई दो चीज आकर रिएक्ट करेगी, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, फिर हमको एक नई चीज मिलेगी जो कि है
प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि है प्रोडक्ट। सो हम ए बी सी इनके बारे में श्योरली क्या कह सकते हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं कोई भी रिएक्शन हो वहां पर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो या तो एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर वो कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स यही होते हैं। दूसरा हमें क्या पता है, जो प्रोडक्ट बनता है तो वो हमेशा कंपाउंड ही होगा, वो हमेशा कंपाउंड ही होगा क्योंकि वो कोई दो चीज के रिएक्शन से बन रही है, सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ कंपाउंड, सो प्रोडक्ट हमेशा कंपाउंड होगा। सो हमसे देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, हम एक बार देख लेते हैं। ए एंड बी आर एलिमेंट्स एंड सी इज अ कंपाउंड, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि जो रिएक्टेंट्स है वो हमेशा एलिमेंट्स हो ऐसा नहीं है, वो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ए एंड बी आर कंपाउंड एंड सी इज अ मिक्सचर, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट क्योंकि ए एंड बी हमारा एलिमेंट भी हो सकता है। ए एंड बी मे बी कंपाउंड और एलिमेंट्स एंड सी इज एलिमेंट, ये भी गलत है क्योंकि ए एंड बी मे बी कंपाउंड और एलिमेंट्स यहां तक ठीक था, पर सी कभी भी एलिमेंट नहीं हो सकता। ए एंड बी मे बी एलिमेंट और कंपाउंड, सी इज कंपाउंड, ये हमारा सही आंसर है क्योंकि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो या तो एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर कंपाउंड्स हो सकते हैं, पर जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा एक कंपाउंड होगा। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर, हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। द फैक्टर ऑन विच द शैडो फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट डिपेंडेंट, तो हमको एक ऐसा फैक्टर ढूंढकर निकालना है जिससे, मतलब एक ऐसा फैक्टर हमें ढूंढकर निकालना है जो कि शैडो फॉर्मेशन में मदद नहीं करता है, नॉट डिपेंडेंट। ओके, सो जैसे कि आप जानते हैं शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स लाइट, इस पे तो डिपेंड करता है कि शैडो किस तरह की फॉर्म करेगी, ठीक है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सोर्स ऑफ लाइट, इस पे भी शैडो जो फॉर्म कर रही है वो डिपेंड करती है। शेप कैसी है उस पे भी डिपेंड करती है कि शैडो किस तरह की बनेगी, कैसी शेप की होगी। पर कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ये डिपेंड नहीं करता, शैडो फॉर्मेशन कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि ऑब्जेक्ट की कलर जो भी हो जाए, वो रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, जो शैडो बनेगी वो हमेशा ब्लैक ही होती है, या हम बोल सकते हैं शैडो को एक डार्क पैच। सो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि शैडो फॉर्मेशन, मतलब उस पर डिपेंडेंट नहीं है, नॉट डिपेंडेंट है। सो शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उससे हमारा शैडो का शेप क्या होगा वो डिपेंड करता है। फिर जैसे हम लाइट सोर्स से अगर ऑब्जेक्ट को दूर कर देंगे सो उससे शैडो की लेंथ बड़ी होगी कि छोटी होगी वो डिपेंड करता है। फिर जो ऑब्जेक्ट है और जो लाइट है इनकी पोजीशन कैसी है उस पे भी शैडो की लेंथ, शेप वगैरह सब डिपेंड करती है। सिर्फ कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो शैडो फॉर्मेशन में उसके साथ कोई लिंक नहीं है। जो भी कलर का ऑब्जेक्ट हो शैडो हमेशा ब्लैक या हम उसको डार्क पैच कहते हैं। सो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं लौटूंगी दोबारा से ऐसे ही कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग विद बायोलॉजी इजी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय एवरीवन।